ये है रघुवंशी परिवार। धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ है इनके पास। आपस में प्यार है, अपनापन है और हैं बहुत सारी खुशियां। कितने खुश हैं ये सारे, क्योंकि ये नहीं जानते कि इनकी खुशियों को जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। होगी नहीं गड़बड़, बड़ी बात, दो मिनट रुक नहीं सकती थी। रुकेंगे कैसे, फिर कुछ नया नाटक शुरू हो गया होगा तुम्हारी मॉम का। अरे क्या हो रहा है इस घर में, सुमति बहन, मधु, निक्की, दर्शन, अनाथ, कोई सुन रहा है मेरी बात? मुंबई के मशहूर रघुवंशी खानदान के घर में दिन दहाड़े क्या हो गया? क्या हुआ भाभी, इतने चिल्ला क्यों रही है आप? कुछ तो ख्याल कीजिए, रघुवंशी खानदान की आप बड़ी बहू है, घर में नौकर चाकर है। हाँ भाई हाँ, खानदान खानदान मुझे मत याद दिला सुमति बहन। राजपाट गए, रजवाड़े गए और राजमहल भी गया, और आज तो मेरे डायमंड के इयररिंग्स भी चोरी हो गए। कहाँ गए आपके इयररिंग्स? कहाँ गए मतलब क्या, चोरी हो गए? चोरी हुई है इस घर में, बुलाओ सबको, तलाशी लो सबकी, ताया, पल्लू, दीना, निकिता। अरे निकिता, सॉरी मैं भूल गई, तू तो इस घर की बहू है। हाँ। खाली दिखती नौकरानी जैसी है, क्या कहता है दर्शन? भाभी ये सब क्या है, और इस तरह सबकी तलाशी लेना? वो कुछ भी हो सुमति बहन, आज तलाशी होके रहेगी। मुझे पूरा शक है कि जिसने भी चोरी की है ना, का नाम डी से शुरू होता है। आपका मतलब आपके वो मैंने चुराया? देखा चोर के कंधे पे तीन का। कंधे पे नहीं बड़ी बा, दाढ़ी। अब दाढ़ी होगी तो उसमें तिनका होगा ना, सुबह उसने दाढ़ी बनाई होगी तो गिर गया होगा उसके कंधे पे। तलाशी लो डाया भाई। दर्शन भाई आप हमारी तलाशी ले लो। नाटक क्या करते हो डाया भाई, जिधर छुपा है ना उधर की तलाशी दो, विग निकालो अपनी। जी मुझे पता है तू विग पहनता है, निकाल उसी के नीचे छुपा के रखा होगा। बड़ी बा ये लीजिए आपके इयररिंग्स। तुझे कहाँ मिले? आरती कर रही थी तब मंदिर में मिले। तो फिर मेरी माला गायब हो गई। ताया भाई तू विग निकालो अपनी विग। बड़ी बा माला आपके गले में तो है। ताया भाई तू विग निकालो ना, विग निकालो, फिर मैं खुद देख लूंगी कि क्या खोया है, कुछ तो खोया होगा ही ना। कल निकल। कितनी बार समझाया है कि अगर बड़ी दादी कभी ऐसी बात करे तो डोंट बी अ पार्टी टू इट, मना कर दिया करो उनका साथ देने से।
नहीं निकिता, ऐसी बात मत सिखाओ बच्चों को, इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। लो निकिता, आरती लो। रुक जाओ निकिता, आरती ले रही, कम से कम चप्पल तो उतार दो। माफ कीजिएगा छोटी बा, पर अब खुद ना तो आरती लेती है ना प्रसाद, और ना ही भगवान में विश्वास करती है, फिर अब मुझे क्यों कह रही है रिस्पेक्ट देने को? तुझे तो है ना विश्वास भगवान पे, चल चल अब निकल अपने डिजाइनर सैंडल। छोटी बा, आज के दिन तो आप मत कहो मधु मुझे, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, जिसे तुम ईश्वर मानकर पूछती हो उस पत्थर पर मुझे विश्वास नहीं, तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास है। अगर तुम कहोगे तो ये सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उसमें मेरी आस्था नहीं होगी, क्योंकि जिसके पास दिल नहीं, भावना नहीं उसकी, और उस पर चढ़ाई हुई चीजों की मैं इज्जत नहीं कर पाऊंगी। चलो 5 बजने वाले हैं, सब आते ही होंगे। क्या राजुल, कितना मस्का लगाएगी भगवान को, अब जल्दी कर। राजुल मत बोल यार, मिसेस रघुवंशी बोल, अब बहुत जल्दी मिसेस रघुवंशी बनने वाली है। चलिए भी, भगवान के दर्शन हो गए हो तो मिस्टर रघुवंशी के भी दर्शन कर ले। चलो बेटा, 5 बजे तक मुंबई पहुंचना है, चलो। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तो चलो, फिर लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। चलो। ड्राइवर दे दो, बेटी भूखे को कुछ दे दो, बेटी ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। चलो सब लोग अपनी अपनी लकी चीजें रखो। और ये मेरा लकी ब्रेसलेट भी रखो। अरे नहीं नहीं अनंत, पिछली बार जब फोन आने वाला था तो तूने यही ब्रेसलेट फोन के पास रखा था और कहा था कि रिश्ता पक्का समझो, लेकिन क्या हुआ, वहां से मना हो गई। देख अनंत, आज तक जितने भी रिश्ते हरी के लिए आए हैं उनमें से ये पहला रिश्ता है जो रघुवंशी हाउस की चौखट तक पहुंचा है। इस बार हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मेरा गुड लक भी ले लो, ए लो मेरी लकी लपसी। लकी लापसी? हाँ, वो सब डाला है इसमें। क्या? वो घी शक्कर और मंत्र। अच्छा हाँ? देखो देखो, लो लो लो। बाकी सब ठीक है, मंत्र थोड़ा कम है। बड़ी भाई क्या किया आपने, दया भाई का मंत्र खा गई आप। चलो चलो चलो, 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 चलो।
मैं जानती हूँ आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, मगर घबराइए मत, आज सब कुछ ठीक होगा, ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। यहाँ तक तो पहुंची, वरना पिछले 11 बार तो हरि का रिश्ता फोन पर ही। I mean, पता नहीं क्या चक्कर है, खुद रिश्ते का ऑफर देकर भी लोगों ने बात बीच में ही छोड़ दी, किसी एक के साथ भी मीटिंग तक फिक्स नहीं हुई हरि की। ये राजकोट की राजुल पहली लड़की है जो यहाँ आ रही है ना? रिश्ता हो ना हो, बस वो ना हो जो पिछली 11 बार हुआ। अरे तो वो तो उन लड़कियों की किस्मत खराब थी जो ये रिश्ता नहीं हो पाया, वरना हमारे हरि जैसा लड़का आसानी से मिलता है क्या? इतना अच्छा, इतना हैंडसम, अरे लड़का क्या है, हीरा है हीरा। पर जिसके रिश्ते की बात हो रही है वो खुद है कहाँ? क्यों, क्या हो गया हीरो? कभी कभी जिंदगी जीत से बड़ी होती है दोस्त। कमाल का आदमी है यार तू, जब मैं तुझसे कह रहा था कि बाइक धीरे से चला तब तो कह रहा था कि जीत जिंदगी से बड़ी होती है दोस्त। सब वक्त वक्त की बात है डूड। हाँ वक्त वक्त की बात। ये वैसे वक्त क्या हुआ है? 5 बज रहे हैं, क्यों? अरे यार फिर तो मर गए। अरे अब क्यों मर गए? अरे मधु अभी ने कहा था तुझे 5 बजे से पहले घर पहुंचाने के लिए। क्यों यार? अरे क्यों क्या, राजकोट से लड़की वाले तेरे घर आ रहे हैं सगाई की बात पक्की करने के लिए। अब चल जल्दी। चल रहा हूँ यार, इसको तो इसके घर छोड़ दूँ, कमाल करता है। चल 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 जल्दी। चल रहा हूँ यार। सवा 5 हो गए, ना तो हरि आया और ना ही लड़की वाले। अब और वेट करना या फिर मैं चेंज कर लूं? निकिता, सब्र का फल डायबिटीज होता है। बड़ी बात, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ भाई हाँ, पर मीठा खाने से ही डायबिटीज होता है, बोल होता है कि नहीं? हेलो हेलो सुमति बहन, मैं जानकी बहन बोलती हूँ, वो राजकोट वाला रिश्ता नहीं हो सकता, मैं बाद में बात करती हूँ।
कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। माफ कर दीजिए, माफी तो करते आए हैं सबको, आपको भी कर देंगे, लेकिन कम से कम कोई कारण तो बताओ। पिछले 11 रिश्तों की तरह कोई तो बहाना बनाओ। लड़का पसंद नहीं है, कुंडली नहीं मिलती है, क्या कमी है मेरे हरी में? खानदान में सर्वश्रेष्ठ है वो, कहते हैं कि सबसे पहली शर्त ये होती है कि लड़का दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो क्यों क्यों ऐसा होता है मेरे हरी के साथ? अब तो इतनी बार रिश्ता टूट चुका है कि इन सब बहानों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गए आप, अब वक्त मिला घर आने का, और क्या हाल बना के रखा है अपने आपका, ऐसा लगता है कि कुश्ती लड़के आए हो। जानते हो ना रघुवंशी खानदान की क्या इज्जत है समाज में? अगर ऐसा ही रहा ना तो जो रिश्ते आते हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। माँ प्लीज 10 मिनट ही तो लेट हो ना। नजदीक मत आ मेरे। अरे बाप रे, लगता है इस बार भी माँ की मार्केटिंग फेल हो गई, ग्राहक को माल पसंद नहीं आया। क्यों माँ? माँ क्या इस बार भी मेरा रिश्ता नहीं हुआ? माँ हे भगवान, मैं कब तक कुंवारा रहूंगा? भैया भैया अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। भैया मेरे सब दोस्तों की शादी हो चुकी है और कुछ के तो दो दो बच्चे हैं। भाभी भाभी आप ही मुझे बताइए कि सबसे हैंडसम और सबसे डैशिंग हरी का नंबर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? बस बंद कर नाटक। अरे माँ क्या कर रही हो? मेरा गुस्सा बापूजी पर? हरी क्या हरी, कितनी बार कहा है उसे सर पर मत चढ़ाओ। हाँ भाभी आपने मुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, अब आप जाइए और जाकर चाय चढ़ाइए, सर पर नहीं चूल्हे पर। भाभी आपका देवर सूली पर चढ़ते चढ़ते बच गया है, अब जश्न नहीं मनाएंगे क्या? जाइए 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 जाइए। हे भगवान मेरी शादी कब होगी? इस तरह अचानक कह दिया कि रिश्ता नहीं हो सकता, कोई तो वजह होनी चाहिए थी। मैं जानकर ही रहूंगी कि मामला क्या है। राय भाई सबके लिए चाय बनाइए। आज पहली बार मुझे भी रिश्ता ना होने का बहुत दुख हो रहा है। कितनी तारीफ की थी आप सबने उस लड़की की, ऐसी लड़की दोबारा मिलेगी भला? अरे एक क्या हजारों मिलेगी, और वैसे भी ना वो लड़की कुछ खास थी नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों वो हीरोइन जैसी नहीं थी? अरे थी तो, पर हॉरर फिल्म की हीरोइन जैसी। अरे मुझे तो वो शुरू से थोड़ी भैंजी टाइप लगी थी, पर आप सब लोगों को पसंद थी तो मैंने कहा मैं क्यों खाम खटांगड़ा हूँ। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। अरे क्या क्या बता? बोल, 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 बोल। हम मेरी शादी का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, ना होगा बांस और ना होगा कान में दर्द। कान में दर्द? हाँ, ना होगा बांस, ना बनेगी बांसुरी, ना कोई उसे बजाएगा और ना ही कान में होगा दर्द। इट्स सो सिंपल। जानकी बहन, जानकी बहन क्या बात हुई? आप लोग तो आज सगाई की बात करने आने वाले थे ना, फिर मना क्यों कर दिया? Thank you.
चाय गरम भाभी, चाय गरम, गरम गरम चाय। हेलो भाभी चाय। क्या बात है भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। इस बार फिर कुछ वैसा ही हो गया ना? सुनो, बारह बार रिश्ता टूटना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, इसमें जरूर उसका जोर है। किसका? दूसरी हवा का। मुझे पता था आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर कोई है जिसके कहने पे आप लोग मान जाओगे। कौन? सप्तऋषि महाराज। ऐसी कई गुत्थियां सुलझाई उन्होंने, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखता है उनको। मेरे देवर की जन्मपत्री दिखानी थी, उसकी शादी नहीं हो रही। होने की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए आंखें जरूरी नहीं है। हरि नाम है उसका, लाडला दुलारा। भाभी को बहुत प्यार है देवर से, बारह बार टूट चुका है रिश्ता। बिल्कुल सही। और हर बार जिस जिस लड़की का रिश्ता आया, उस लड़की के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी हुई। आज वो राजकोट के राजुल के साथ भी? संजोग नहीं है, ये एक इशारा है, चेतावनी है। चेतावनी? हाँ, वो नहीं चाहती कि हरि की शादी हो। वो एक परछाई है जो साये की तरह हरि के इर्द गिर्द घूम रही है। उसे साया कहो, भटकती हुई रूह समझो, या कह लो से प्रेतात्मा। प्रेतात्मा? हाँ, गहरा साया है उसका, हरि के इर्द गिर्द घूम रही है, और इसीलिए वो हरि की शादी नहीं होने दे रही, और इसीलिए मौजूद रहती है जब कभी हरि की शादी की बात होती है। अगर हरि की शादी हो गई तो प्रेतात्मा बेहाल करके रख देगी जिंदगी सबकी, खासकर हरि की पत्नी की। ऊपर वाला भी अजीब है, यहां साफ लिखा है हरि की शादी का योग है। भागो, आप भी भागो, आप सब भागो यहाँ से, भागो।
हुआ बताओ तो सही। 16 दिनों में उसकी शादी हो जानी चाहिए जी। हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई है। भागो, 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 भागो। हरी का समय भी पलट रहा है। जब जब बुराई का आलम बढ़ता है कहीं ना कहीं से अच्छाई की किरण आ ही जाती है। भागो! वो लड़की कहां से आएगी, कैसे आएगी ये नहीं मालूम, लेकिन वो आएगी जरूर। 16 दिनों के अंदर। उस लड़की की किस्मत भी अजीब है। लड़ना होगा उसे एक वैशी रूह से। क्या हुआ श्री, क्या हुआ बेटा? वो लड़की में और कोई गुण हो ना हो, एक गुण होना बहुत जरूरी है, निर्भयता। बस निडर हो वो, ताकि उस प्रेतात्मा से बचाए रखे खुद को और खुद के सिंदूर को। अगर दुनिया में कोई सबसे डरपोक है तो वो तू है मेरी बेटी। लड़की में और कोई गुण हो ना हो, एक गुण होना बहुत जरूरी है, निर्भयता। बस निडर हो वो, ताकि उस प्रेतात्मा से बचाए रखे खुद को और खुद के सिंदूर को।